काशीपुर के राधा हरि राजकीय महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमन शर्मा 661 वोटों से विजयी रहे। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के छात्र आकाश चौहान 616 वोटों से विजयी रहे। उपाध्यक्ष छात्रा डोली निर्विरोध चुनी गई। सचिव पद के लिए आकाश कुमार, संयुक्त सचिव प्रियांशु, कोषाध्यक्ष के लिए वरुण कुमार को जीत मिली। इसके बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्राचार्य डॉक्टर विनोद प्रकाश अग्रवाल ने शपथ ग्रहण कराई। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काशीपुर के अंदर एक गौरव का क्षण है कि आज विद्यार्थी परिषद ने काशीपुर महाविद्यालय में परचम लहराया है और वास्तव में ये जीत काशीपुर महाविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा की जीत है। ये प्रत्येक उस छात्र छात्रा की जीत है जो इस विद्यालय की दशा और दिशा को सुधारना चाहते हैं। मैं अपने विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने युवा मोर्चा के सभी साथियों को और अपने छात्र संघ के जो हमारे यहाँ के पुराने साथी जो लगातार इस चुनाव में विद्यार्थी परिषद को जितवाने के लिए लगे रहे और वास्तव में एक विद्यार्थी परिषद के लिए बहुत बड़ी जीत है और ये आने वाले समय में जीत के बहुत बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज हमारे राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का छात्र संघ निर्वाचन 2023-24 था। सुबह करीब हमारा 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। फिर उसके बाद 3 बजे से हमारा मतगणना शुरू हुई। हमने शपथ ग्रहण समारोह कराया भी, जो हमारे प्राचार्य महोदय ने प्रोफेसर विनोद प्रकाश अग्रवाल जी ने सभी विजय प्रत्याशियों को शपथ दिलाई है। अध्यक्ष पद पर श्री अमन शर्मा जी विजयी हुए हैं, जिनको 661 वोट मिले हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी अभिषेक कुमार को 572 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष पद पर आकाश चौहान विजयी रहे हैं, जिनको 616 वोट मिले हैं और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी तोहीद अहमद को 496 वोट मिले हैं, जबकि उपाध्यक्ष छात्रा कुमारी डोली को पहले ही निर्विरोध घोषित हो चुकी है।